श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि दोस्तों, हमारे या किसी भी मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर ही प्रारंभ होती है। और हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये पूजा किया करता था और इसका आनंद भी उसे आता था, लेकिन कुछ समय से ये प्रथा कम हो रही है। हम सबको मिलकर फिर से प्रभु का साधारण सा और फलदायी अनुष्ठान हर मंगल कार्य में करना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए ताकि जनमानस लाभान्वित हो सके। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में प्रचलित है। ये अनुष्ठान भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की गाथा ही श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर कुछ अन्य नियमित रूप एकादशी एवं पूर्णिमा इत्यादि शुभ तिथियों में कथा का आयोजन करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेखाखंड से संकलित की गई है। सत्य को नारायण मानकर पालन करना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। आचार्य सतीश अवस्थी जी की सुमधुर वाणी में संगीतमय सत्यनारायण कथा कराने के लिए संपर्क करें 0888111337। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं आप ही के अपने शो में जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, हमें जिंदगी यानी जीवन एक ही बार मिलता है, प्यार भी एक बार होता है, जीवन साथी यानी सोलमेट चुनने का मौका भी हमें एक ही बार मिलता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वही सोलमेट जो हमसे सात जन्म साथ निभाने के वादे करता है, कस्में खाता है, उसके लिए सात कदम भी साथ चलना मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई जवाब है? क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? ये बताने के लिए हमारे साथ हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड फेमस लव एनालिस्ट आचार्य सतीश जी। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार अनुजा जी। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी तरह की लव लाइफ को लेके कोई भी तरह की उथल पुथल चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, तो मेरा यही कहना है कि उन्हें अब निकाल दीजिए दिमाग से। बस फोन उठाइए, इन नंबर्स पे फोन करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आचार्य जी से बात करने का मौका आपको भी मिले। आचार्य जी, एक रिलेशनशिप स्टेटस, बहुत ही लंबा रिलेशन, कह लीजिए 5 साल 8 साल यहाँ तक कि 10 साल का कोई अफेयर है जो चल रहा है और शादी तक बात पहुँच गई है, बहुत कठिनाइयों के बाद या जैसे भी स्मूथली भी शादी हुई, और शादी के तुरंत बाद ही दिक्कतें आनी शुरू हो गई, कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए, दूरियाँ आने लग गई। शादी के बाद एकदम से ऐसा क्या बदलाव आ गया, जो वो ऐसी क्या चीज़ें उन लोगों को एक दूसरे के बारे में दिख गई जो शादी के पहले इतने सालों में नहीं दिखी? देखो अनुजा, ये एक्चुअली मतलब कंप्लीट लाइफ एनालिसिस है, जिसको हम बहुत तकनीकली और सिस्टमेटिक तरीके से देखने की आवश्यकता है। जब आप किसी रिलेशन में होते हैं तो वो सिर्फ एक मित्रवत संबंध है, मित्रवत व्यवहार है, आदान प्रदान भी मित्रवत है, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की कोई लायबिलिटीज नहीं है या उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, वन टू वन, वन बाई वन है, मतलब वो एक के साथ एक है। जब आप उसी रिलेशन को संबंध में परिणित करते हैं, विवाह करते हैं या ऐसा कोई इवेंट करते हैं, क्योंकि लाइफ दो चीज़ों पे चलती है, इवेंट और एक्सीडेंट जी, तो जब कोई इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पर हमारी कुंडली में जैसे 12 भाव हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं एक साथ। आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके आसपास के रिश्तेदार नातेदार, आपके घर का माहौल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ मैच करना प्रारंभ कर देती हैं जी। कदाचित ऐसा हो सकता है कि जब हम कुंडली मिलाते हैं, क्योंकि 8 पॉइंट अलग अलग हैं और हर चीज़ का अपना मीनिंग अलग है, कदाचित ऐसा हो सकता है कि आपके अपने आपस के तालमेल बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जैसे ही विवाह, क्योंकि ये केस मेरे अभी जस्ट
मेल पे पढ़ा था, जस्ट मतलब बहुत फ्यू दिन की पहले की बात है जी, कि एक रिलेशन आया जी, 8 साल 10 साल हो गए उनको रिलेशन में, उसके बाद घर वालों को बना के विवाह भी किया, विवाह करने के पश्चात जो कंडीशन आई कि भाई 1 महीने भी वहां रहना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी मदर साइड से, मतलब वो लड़की का 6th हाउस बाधित है, 6th हाउस में मंगल और राहु एक साथ है। देखो एक और खास बात यहाँ पे समझ लें आप लोग, अपनी अपनी कुंडली खोलें, शनि और मंगल, मंगल और बुध पूरी की पूरी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों तो निश्चित तौर पर मान लें वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी और इसका समाधान करके ही विवाह करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी पूरा बल लगा दें, पूरी आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से कंप्लीट प्लान करने के बाद, बहुत बल लगाने के बाद, बहुत उत्साह से काम करने के बाद भी इस इवेंट के बाद भी हम एक्सीडेंट की ओर अग्रसर हो जाएं। जी जी, 1 महीने वो शादी नहीं चली, 1 महीने बाद वो घर वापस आ गए। और इसमें कहीं ना कहीं लड़की के अपने कुछ अपने अपने भी कुछ कर्म है, कुछ उनकी भी अपनी कर्म प्रणाली है कि एक साथ उन्होंने 2 रिश्ते भी बोरो किए साथ साथ, एक कंप्लीट लव था एक हाफ लव था, और वो शादी के बाद तक भी कंटिन्यू किया उन्होंने, तो ऐसी कई सारी चीजें भी मद्देनजर आती हैं। ऐसी डेवलप हो जाती हैं जब आप बहुत कुशल चीजों के साथ काम करते हैं, जब आप एक्यूरेशन के साथ काम करते हैं। देखिए एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्शन, जब आप इन सब चीजों में इतनी बारीक चीजों पर कहीं ना कहीं करेक्शन कर रहे होते हैं, वो आवश्यकता है मैरिज लाइफ के लिए। क्योंकि विवाह एक ऐसा रो है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जहां पर आपके पास कोई टर्न नहीं होते, और जो भी टर्न होते हैं वो सब अंधेरे वाले होते हैं, कुछ नहीं पता किधर की ओर आप मूव कर जाएंगे, किधर आप चल जाएंगे। हो सकता है कि विवाह के बाद आपका जीवन कंप्लीट सुखमय हो जाए, आप साधन संपन्न हो जाए, आप संपत्ति संपन्न हो जाए, आपके पास हर चीज आ जाए, और हो सकता है कि विवाह के पश्चात सब चीजों में आप डबल जीरो हो जाएं। आचार्य जी, तो ये सब कंप्लीट जानकारी का काम है, इसीलिए हमें एक आपके जैसे गाइड, एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। और इसी उम्मीद के साथ हमारे कॉलर्स हैं जो कॉल कर रहे हैं निरंतर, आपकी आज्ञा लूंगी कि एक कॉलर से बात कर लें। स्वागत है। हेलो। हाँ मैम। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? अंकिता गुप्ता। अंकिता जी कहाँ से बोल रही हैं आप? ये एमपी देवास से बोल रहे हैं। नमस्कार अंकिता जी, कैसी हैं आप? जी नमस्कार गुरु जी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत चल रही। हमारी शादी 2014 में हुई थी, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। हमारा एक बच्चा अभी 2015 में हुआ था, वो भी शांत हो गया, और कर्ज से बहुत सब लोग परेशान हो गए हैं। आप एक बार डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले मुझे अपनी। जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1990। ठीक है, टाइम बताइए। 11:25 सुबह का। कहाँ जन्म हुआ? जी हमारा जन्म है यूपी का, लखनऊ। लखनऊ जी। हाँ बेटा, एक तो ये जो आपका वैवाहिक व्यवस्था है ये जी कहती है कि मुहूर्त सही नहीं था, और विवाह में एक काम होता है जिसमें हम पितृ पूजा करते हैं, उसको अलग अलग भाषा में लोग बोलते हैं, देव पूजन बोलते हैं, कोई पितृ पूजन बोलते हैं, वो होता है, वो बहुत अनुकूलता में नहीं हुआ। इस विवाह में पितृ रुष्ट हैं, रविवार शनिवार मंगलवार में से कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा संधि दिखती है। दूसरा, आपके पति के घर में जिस दिन मंडप हो रहा था उस दिन भी विवादास्पद स्थिति सर्जित हुई थी, और आपके पति के साइड में किसी को चोट भी लगी थी, जिनके मतलब कहीं ना कहीं ब्लड निकला, इस विवाह के मांगलिक कार्य में ब्लड निकला, यानी वो दोषपूर्ण हुआ, जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। आपने बताया कि आपका बच्चा शांत हुआ, आपका पंचमेश डाउन है, और इस विवाह को जब तक हम सुमंगल नहीं कर लेते तब तक ये तकलीफें आती रहेंगी। आर्थिक कष्ट से आप पीड़ित होंगे, आप सामाजिक कष्ट से पीड़ित होंगे, और आपका वास्तविक जो दाम्पत्य जीवन है ना जी, उसको जीने में तकलीफ आएगी, क्योंकि आपका अपना शारीरिक स्ट्रक्चर भी खराब होगा इसमें। आपका या तो हेल्थ बहुत बढ़ जाएगा और या तो बहुत घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरा एक बच्चा होने वाला है जी, दिसंबर में जी, तो उसका उसके बारे में पूछना, तो सब बढ़िया रहेगा। उससे पहले बेटा अमृत कवच निश्चित तौर पर पहन लें। अमृत कवच की प्राथमिकता पर आवश्यकता है, बिना संकोच के, बिना किसी संदेह के उसे धारण करें, और जैसे भी आपको संभव हो सके उससे पहले एक रुद्राभिषेक, और वो भी गुर्ज के साथ, गुर्ज से रुद्राभिषेक करें, जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है ना, पीली पीली पूरे पेड़ को ढक लेती है,
उससे रुद्राभिषेक करावें भगवान शिव के मंदिर में और एक अमृत कवच धारण करें। ये दोनों चीजें बहुत प्राथमिकता में आवश्यकता होगी। और अपने घर में दिया जलाएं और दिए में थोड़ी सी मिश्री डालें, ये उपाय जरूर करिएगा। उसके बाद भगवान ने चाहा तो आपका जीवन सुखमय होगा। नमस्कार बेटा। दोस्तों, अगर आपको भी बहुत परेशानियां से जूझना पड़ रहा है, अपनी लव लाइफ को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है और सही गाइडेंस चाहिए, तो बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द आपकी आचार्य जी से बात हो पाए। हाथों की चंद लकीरें जिसमें छिपती है हमारी तकदीर, पर इन लकीरों को कंट्रोल कौन करता है? इन्हें कंट्रोल करता है किंग ऑफ द पाम, यानी हमारा अंगूठा, जो है हमारी पहचान और हमारा सबसे विश्वसनीय आईडी प्रूफ। और इसी थंब का सीधा संबंध होता है सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल लव लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ और हेल्दी लाइफ के साथ साथ खुशहाल और सफल जीवन से। आपके इसी अंगूठे को कंट्रोल करने के लिए ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य सतीश जी लेकर आए हैं थंब रिंग। सफल व्यवसायिक जीवन, खुशहाल दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, मकान वाहन का सुख, स्वस्थ जीवन और खुशहाल पारिवारिक जीवन की चाहत हम सभी को होती है। खुशियों की इसी चाहत को पूरी करती है ये अद्भुत थंब रिंग। जब भी हम यहाँ थंब रिंग का कसाव करते हैं, यहाँ पर हम थंब रिंग पहनते हैं, तो हमें चाहे व्यापारिक परिस्थितियों की हम बात करें, शिक्षा की बात करें, आपके अपने रोजगार की बात करें, करियर की बात करें, आपके लव लाइफ की बात करें, आपकी मैरिज लाइफ की बात करें, और इवन देन हम ये बात करें जहाँ से हमारी बात होती है, हमें जो भी कुछ मिल सकता है, हम माने थंब यानी हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है थंब रिंग। मेरा नाम विनोद वर्मा है, उम्र 54 वर्ष। वर्षों से मेरा कपड़ों का कारोबार है। एक समय ऐसा आया कि मेरा सारा कारोबार ठप होने के कगार पर आ गया। अचानक मेरी पत्नी ने टीवी में थंब रिंग का ऐड देखा, मुझे बताया, मैंने तुरंत ऑर्डर किया और वो भी 2 थंब रिंग का, एक अपने लिए, एक अपने बिजनेस पार्टनर के लिए, जिससे हमारा बिजनेस नई ऊंचाइयां छू सके। जिस दिन से थंब रिंग आया है, हमारा बिजनेस ऊंचाइयों को छू रहा है। सच, इस थंब रिंग ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। थैंक यू थंब रिंग। इस थंब रिंग के ऊपर सोने से भी महंगा 24 कैरेट व्हाइट गोल्ड यानी प्लैटिनम मेटल की प्लेटिंग की गई है। इसमें सोना और चांदी दोनों ही धातुओं के गुण समाहित हैं, यानी कि ये भाग्य वर्धक होने के साथ साथ अत्यंत बहुमूल्य भी है। मेरा नाम रोहन है और मैं 27 वर्ष का हूँ। मेरी फैमिली मेरी शादी के लिए तैयार नहीं थी और मैं लव मैरिज करना चाहता था। फैमिली डिफरेंसेस के चलते मेरे पेरेंट्स शादी के लिए तैयार नहीं थे और हम अलग भी नहीं होना चाहते थे। फिर मैंने 2 थंब रिंग्स ऑर्डर की, एक उसके पापा के लिए और एक अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि फैमिलीज को रेडी करने के लिए थंब रिंग्स पहनाना ज़रूरी था। फिर क्या था, चेंजेस आने शुरू हो गए। यहाँ मेरी मम्मी मान गई, कहने लगी मैं तेरे लिए शादी के लिए तैयार हूँ, और वहाँ उसके पापा मान गए। तो रिजल्ट आपके सामने है, मेरी शादी हो चुकी है। और तो और, शादी के बाद मैंने 2 और थंब रिंग्स ऑर्डर किए, जिससे कि हम दोनों में प्यार बना रहे। अब ऐसा लगता है जैसे वी आर मेड फॉर ईच अदर। थैंक यू थंब रिंग। ये दुर्लभ थंब रिंग बनी है 2 अलग-अलग रिंग से, आउटर और इनर। आउटर रिंग पर अंदर की तरफ अंकित है शक्ति बीज मंत्र, जिनके प्रभाव से सभी ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। ये थंब रिंग आपके आने वाली समस्याओं से आपको निजात दिलाती है, यानी उन समस्याओं को आप तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि इसमें अभिमंत्रित जो मंत्र है, वो मंत्र आपके आसपास एक औरा बनाते हैं, एक ऐसा चक्र बनाते हैं, एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाते हैं, जिससे ग्रहों से मिलने वाली जो खराब ऊर्जाएं हैं, वो आप तक नहीं पहुंचती। जिस प्रकार ब्रह्मांड में सभी ग्रह और नक्षत्र अपनी धुरी पर घूमते हैं, उसी प्रकार थंब रिंग में आउटर रिंग इनर रिंग के ऊपर एक निश्चित धुरी पर गोलाई में घूमती है, जिससे धारक को ग्रहों की पवित्र ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको दी जाने वाली प्रत्येक थंब रिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस के आधार पर ही तैयार होती है। साथ ही प्रत्येक थंब रिंग वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित भी होती है। थंब रिंग आपके अपने
डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को देख करके ग्रहों की वास्तविक स्थितियों के आधार पर अभिमंत्रित किया जाता है और उसके आधार पर निर्माण करके आप तक प्रेषित किया जाता है, आपको पहुंचाया जाता है। अत्यंत लाभकारी थंब रिंग को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे में स्त्री या पुरुष कोई भी धारण करके लाभान्वित हो सकते हैं। इस थंब रिंग का जल्दी लाभ प्राप्त करने के लिए इसके आउटर रिंग को प्रतिदिन 5 बार गोलाई में अवश्य घुमाएं। मेरा नाम करिश्मा है, मैं 26 साल की हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। 2 साल तक तो सब ठीक था, पर पिछले कुछ महीनों से जैसे जिंदगी बदल गई। मेरे और मेरे पति के बीच में इतने झगड़े कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर छोटी छोटी बात को लेकर के कलेश रहने लगा। मेरे घर वाले भी इन बातों को लेकर के बहुत परेशान हो गए। फिर मुझे मेरी दोस्त ने आचार्य सतीश अवस्थी के बारे में बताया, उनका प्रोग्राम देखा और थंबरिंग के बारे में जाना। बस फिर क्या था, मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर करते के साथ ही जैसे मैंने उसे यूज करना शुरू किया, मेरे और मेरे पति के बीच में जैसे सब कुछ ठीक हो गया। मेरे पति मुझ पे ध्यान देने लगे, मुझसे प्यार करने लगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि थैंक यू थंबरिंग मुझे मेरी जिंदगी वापस देने के लिए। सफल व्यवसायिक जीवन, खुशहाल दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, मकान वाहन का सुख, स्वस्थ जीवन और खुशहाल पारिवारिक जीवन की चाहत हम सभी को होती है। खुशियों की इसी चाहत को पूरी करती है ये अद्भुत थंबरिंग। जब भी हम यहाँ थंबरिंग का कसाव करते हैं, यहाँ पर हम थंबरिंग पहनते हैं, तो हमें चाहे व्यापारिक परिस्थितियों की हम बात करें, शिक्षा की बात करें, आपके अपने रोजगार की बात करें, करियर की बात करें, आपके लव लाइफ की बात करें, आपकी मैरिज लाइफ की बात करें, और इवन देन हम ये बात करें जहां से हमारी बात होती है, हमें जो भी कुछ मिल सकता है, हम माने थंब यानी हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है थंब रिंग। तो फिर देर किस बात की, इस दुर्लभ थंब रिंग को मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 888-111-3377। इस पावरफुल थंब रिंग के अंदर सभी ग्रहों के बीज मंत्रों की शक्ति समाहित है। बहुमूल्य प्लैटिनम मेटल की प्लेटिंग से निर्मित बीज मंत्र अंकित वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित सिद्ध थंब रिंग का लाभ प्राप्त करने के लिए अभी कॉल करें 888-111-3377। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं www.lovewithastrology.com। आचार्य जी, आपने जैसा बताया कि ये आज मैंने इतनी डिस्कशंस आपके साथ की हैं, लेकिन ये जो आपने बताया कि ये खून बीच में आना कोई भी मांगलिक कार्य में, तो इसका इसका क्या तात्पर्य है, इसका कितना इम्पोर्टेंस है? ये असल में मंगल शनि और मंगल और बुध के संसर्ग का एक दोष है जी। मैं असल में ये कंप्लीट अनुजा एक सामाजिक सुव्यवस्थाओं का एक वास्तविक स्वरूप है। अच्छा। ये सारी की सारी चीजें हम आदिकाल में बहुत सहजता में जानते थे। ये सारे के सारे इनको बहुत सारे लोग अपने अपने रूप में जानते हैं। कुछ लोग को कहते हैं यार अपशगुन हो गया जी, जी, जी। कुछ लोग कहते हैं कि अनेट हो गई। भाषा अलग हो सकती है, अलग अलग देश कालांतर उस पर उसको अलग रूप में जाना जा सकता है, लेकिन ये दोष तो दोष ही है ना। और ये कुंडली से जाना जा सकता है, इसे कुंडली से समझा जा सकता है, बिफोर आफ्टर बीच में कभी भी। तो सबसे पहली सलाह कि आप एडवाइस सही जगह पे लें और बहुत सहजता में। ये एक ऐसा काम है जिसे हम शायद ये कह सकते हैं कि एक सकारात्मक पहलू है। ये आवश्यक नहीं कि आप बहुत धनाढ्य हो तो ही ऐसा काम कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक नहीं कि आपके पास बहुत सारा धन होना चाहिए, आपके पास वैसा धर्म होना चाहिए। धन नहीं, धर्म की आवश्यकता है। ये सही जगह पहुंचने के लिए आपको बहुत प्रयास की नहीं, ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। आचार्य जी, इसी तरह आप तक पहुंचने के लिए कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि नेक्स्ट कॉलर से स्वागत इस बात करें। बिल्कुल स्वागत है। हेलो। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मैम मेरा नाम छाया है। छाया जी कहाँ से बोल रहे हैं? भिवंडी से। भिवंडी से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आचार्य जी से बात करिए। हाँ जी छाया जी बताइए। नहीं, मैं प्रॉब्लम में थी ना 2 साल पहले जी, तो मैं आपको कॉल की थी। आपके ऐसे कॉल से वो परेशानी मेरी हट गई थी जी। अभी दोबारा वही परेशानी थी ना, इसलिए आपको कॉल कर रही थी मैं। आपके वजह से मेरा बहुत ज्यादा मतलब बड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था जी। छाया जी, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमसे शेयर किया है, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया है कि आचार्य जी की गाइडेंस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम चाहेंगे आप प्लीज ये बताएं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी एक मोटिवेशन मिले। घर की प्रॉब्लम थी मैम जी, पर्सनल था मेरा जी, मतलब मेरे हस्बैंड है ना, वो चले गए थे जी,
और फिर आ नहीं रहे थे ना, तो फिर बहुत रोती थी, मैं इधर उधर सब बता रही थी जी, तो जी। फिर आचार्य जी से मतलब यही टीवी पे कांटेक्ट होने के बाद फिर मैं आचार्य जी को बताया, आचार्य जी ने जो उपाय बताए वो मैं करी, तो उसके बाद फिर सॉल्व हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत 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 धन्यवाद छाया जी, क्योंकि आपको बिल्कुल जिस तरह से कोई घर का सपोर्ट करता है उस प्रकार से सपोर्ट करके आपको वहां तक पहुंचाया है, तो ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें। व्यूअर्स, अगर आपके मन में भी इसी तरह कोई सवाल है, आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ गए हैं, कन्फ्यूजन्स हो गए हैं, अगर आपकी लाइफ का ट्रैक थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आचार्य जी से आप जल्द से जल्द जुड़ पाएं। आचार्य जी, आप थोड़ा, उन्होंने तो बताया थोड़ा शॉर्ट में, आप विस्तार से बताएं कि इनकी क्या समस्या थी। अनुजा, दरअसल ये बहुत शिक्षित नहीं है, बहुत सामान्य जगह से महिला है, और इनके अपने जीवन में ऐसा कह सकते हैं कि विषमताओं का बहुत बड़ा दौर था। इन्होंने जितनी बार भी विवाह किया उतनी बार इनको धोखा मिला। एक्चुअली ये इनकी तीसरी शादी थी, दो लोग और इन्हें धोखा दे चुके थे। ये तीसरा व्यक्ति इनके साथ रेगुलर डेट तो कर रहा था, इनसे बोलता था कि आप एज आ मेरी वाइफ ही मेरे साथ रहती हो, इनके ही संपत्ति पर भोग करता, इनकी ही संपत्ति इस्तेमाल करता, लेकिन इनसे विवाह नहीं किया। और एक दिन इनकी सारी संपत्ति लेकर के रफू चक्कर, ना इन्हें नंबर पता, ना जगह पता, ना उस व्यक्ति का सही नाम पता, वो कहाँ से आया था, कौन था, कुछ भी इन्हें नहीं पता था इतने साल रहने के बाद भी। अरे बाप रे। उल्टा जब उन्होंने किसी तरह से ढूंढ पाया तो उनके घर वालों ने इनके ऊपर केस कर दिया। अच्छा, इनके ऊपर कि इनके हस्बैंड, तो वो पुलिस का चक्कर एक और। ओहो हो हो हो। उतने के पश्चात भी, और ना पैसे ना व्यवस्था, इवन कि जिस दिन इन्होंने कॉल किया था उस दिन इनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो हमने अपने संस्थान से कुछ चीज़ें इनको करवाई, हमारे इनके आसपास रहने वाले कुछ हमारे इस दर्शक हैं उनसे हमने कुछ बात बोली कि इनके यहाँ कुछ व्यवस्था कराएं, और इन्हें इस प्रकार के उपचार कराए गए कि ना वो वापस आया, उसने माफ़ी मांगी, और आज किसी भी तरह से करके, चाहे छोटा काम कर रहा हो चाहे बड़ा काम कर रहा हो, कभी वो सब्जी का ठेला लगा लेते हैं, कभी अभी उन्होंने साल लोटर वगैरह कुछ निकाला है, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्रयास करके, पूरा परिश्रम करके, श्रम करके इनका जीवन यापन करवा रहे हैं, और इनके साथ सहजता से, प्रेम से इनके ही घर में शादी करके रह रहे हैं। ये तो मतलब मैं सिर्फ सुनती जा रही हूँ, ये चीज़ भी मुझे मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आपने बैठे बैठे एकदम, कहते हैं ना, समय का चक्र फेर दिया बिल्कुल। ये देखिए, मैं कहता हूँ ना कि करने वाला सब ईश्वर है, माध्यम जब भी सही होगा जी। एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक बहुत अच्छा वकील, एक बहुत अच्छा टीचर, एक बहुत अच्छा जो आपका मार्गदर्शक है गुरु, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में बिल्कुल ईश्वर जैसा ही काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईश्वर के माध्यम से है, क्योंकि इच्छा तो उसकी है ना कि वो करवाना चाहता है इनके माध्यम से जी, इसलिए ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, यही चाहूंगी कि आप ऐसा ही एक सच का पाठ हमारे नेक्स्ट कॉलर को भी पढ़ाएं जो बेसब्र है आपसे बात करने। बिल्कुल स्वागत है। हेलो। हेलो जी, बोलिए जी। नमस्कार, आपका लव्विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मैं सपना यादव बोल रही हूँ। सपना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं इंदौर के आगे सिमरोल ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ से बोल रही हूँ। जी जी, सिमरोल से बात करें आचार्य जी। स्वागत है सपना जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ सर, पर मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड हमसे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले। डेट है 3/5/1983। हाँ। टाइम? इसमें ये देखना कि 3/5 को एक सत्तू अमावस आई थी या 5/5 को आई थी। ठीक है, टाइम बता दीजिए। टाइम मुझे नहीं मालूम सर, टाइम भी पता नहीं है, डेट का कंफर्मेशन नहीं है, ईयर का भी कंफर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं। आप 1 से 9 के बीच की कोई भी संख्या बोलिए। 7। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 6 साल। 6 साल। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? उनका बिजनेस मतलब जॉब करते हैं वो कोल्ड स्टोर में। दरअसल अगर हम आपकी अपनी जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपकी बात मुझ तक मिल रही, क्योंकि मैं बेसिकली वॉइस रीडिंग करता हूँ, तो उस आधार पे मैं अगर बात करूँ तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं क्रोध पर, ईगो पर और भाषा शैली पर खराब हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा जी। हाँ, क्योंकि मैं जिस प्रकार से कह रहा हूँ वैसे ही समझेंगे तो फर्क पड़ेगा ना। और इसके पीछे कारण है उनकी कुंडली का तृतीय स्थान, यानी उनका कोई छोटा भाई बहन। हाँ है।
तो वो जो संसाधन है वो अव्यवस्थित है, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है। जी हाँ। आवश्यकता है श्रृंगार प्रणाली को ठीक करना। तो सौंदर्य प्रसाधन पर ध्यान दे और आपकी खुद की भी भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, और दिन से ज़्यादा अपनी सायंकालीन और जो रात्रि का जीवन है उसको बेहतर करने का प्रयास करें। वस्त्रादिक बेहतर पहने, परफ्यूम में चंदन का इस्तेमाल करें, और यदि बहुत बेहतर करना हो तो चंदन का दान करें। मंदिर में घी का दीपक मंदिर में ही जलवाएं, निरंतर अखंड जलवा सकें तो मच बेटर होगा। और जल में प्रवाहित करें 5 प्रकार के फल हर अमावस्या को, जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। भगवान शिव की आराधना करें मैया पार्वती के साथ, आपका जीवन बेहतर होगा, खुशहाल होगा। सिर्फ और सिर्फ एक और चीज़ एड ऑन करनी होगी आपको, वो है काला और नीला कपड़ा पहनना टोटली बंद करना होगा। वो अंदर वस्त्र हो चाहे बाह्य वस्त्र हो, बोथ साइड आपको खत्म करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और किसी कारण आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आचार्य जी से बात नहीं हो पा रही है, तो शो के बाद भी आप आचार्य जी को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइंस 24/7 ओपन है। और इसके अलावा आप अपना ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लिख के, लेकिन उसमें अपनी डिटेल्स मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। आचार्य जी, जैसा इन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और डिटेल्स कुछ भी नहीं थी, बट हम तो जानते ही हैं कि आप वॉइस रीडिंग, फेस रीडिंग सब करते हैं, तो उसके आधार पर फिर भी काफ़ी हद तक अब मे बी वो आपसे जब मिलें तो शायद और उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएँ, एक गाइडेंस दे पाएँ। किस तरीके से आप इन तरह के व्यूअर्स को हैंडल कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स हैंडल कर पाते हैं? कि जब भी आपको किसी भी चीज़ का कारण पता चल जाए, जैसे उनको बताया कि तृतीय स्थान खराब है तो छोटे भाई बहनों की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने जी हाँ ऐसी दिक्कत है, तो जब आप प्रॉब्लम को कनेक्ट करते हैं तो समाधान बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी गोइंग आप उसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी। बात आचार्य जी, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो आपकी हर बात का जरूर ध्यान रखें और इस बात का ध्यान दें, जब आप इतने डेडिकेटेड हैं सब लोगों के लिए और इतना मन से उनका साथ देते हैं, तो बस उनको एक रिस्पॉन्स देने की जरूरत है और एक कनेक्ट होने की जरूरत है। एकदम ठीक बात है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन हमारे व्यूअर्स को, हमारे कॉलर्स को, सभी को दिया। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। दोस्तों, हमारे या किसी भी मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर ही प्रारंभ होती है, और हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये पूजा किया करता था और इसका आनंद भी उसे आता था, लेकिन कुछ समय से ये प्रथा कम हो रही है। हम सबको मिलकर फिर से प्रभु का साधारण सा और फलदायी अनुष्ठान हर मंगल कार्य में करना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि जनमानस लाभान्वित हो सके। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में प्रचलित है। ये अनुष्ठान भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की गाथा ही श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनौती पूरी होने पर कुछ अन्य नियमित रूप, एकादशी एवं पूर्णिमा इत्यादि शुभ तिथियों में कथा का आयोजन करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेखाखंड से संकलित की गई है। सत्य को नारायण मानकर पालन करना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। आचार्य सतीश अवस्थी जी की सुमधुर वाणी में संगीतमय सत्यनारायण कथा कराने के लिए संपर्क करें 0888-11-13-377। दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं, अपने आप को भटका हुआ महसूस कर रहे हैं और सही ट्रैक पर आने का वेट कर रहे हैं, तो बस इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। हमारा पता है 8x220 आनंद केशव अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 308, आर्य नगर, कानपुर 208002, उत्तर प्रदेश। आप हमें कॉल, वॉइस मैसेज या फैक्स भी कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारी ईमेल आईडी है कैस्ट्रो इंडिया
2010@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.lovewithastrology.com। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर प्यार आपको आजमा रहा है तो उस आजमाइश का सामना कीजिए और अपना 100% दीजिए एक ट्रस्ट, एक होप के साथ। इसी नोट के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बी चीयरफुल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।